कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि को 20 साल बाद रिहाई मिल रही है, वो भी उनके अच्छे आचरण के कारण। बता दें कि करीब 20 साल पहले अमर मणि और मधुमणि कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे, जिसके बाद से ही वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इस मामले के 20 साल बाद अमर मणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी बाकी सजा को माफ कर दिया गया है, जिसके बाद राज्यपाल ने दोनों की रिहाई के आदेश दिए हैं। वहीं मधुमिता शुक्ला की बहन ने अमर मणि और मधुमणि की रिहाई पर सवाल उठाए हैं। निधि शुक्ला ने रिहाई के ऑर्डर को अंधेर बताया। उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस दौरान रिहाई का फैसला गलत है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, कि अमर मणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमर मणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। बता दें कि लखनऊ के निषादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2023 में मशहूर कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले पर राजनीति गरमाने के बाद इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के दौरान अमर मणि पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को पूर्व मंत्री अमर मणि और उनके पत्नी मधुमणि समेत उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अपनी पत्नी के साथ अमर मणि 20 साल 1 महीना और 19 दिन से गोरखपुर जेल में है। जेल में उनके द्वारा बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण के तहत बाकी की बची हुई सजा को माफ कर दिया गया। बता दें कि अमर मणि यूपी के बाहुबली नेताओं की गिनती में शुमार रहे हैं, जिनका शुरू से ही विवादों से भी गहरा नाता है। हालांकि अमर मणि का महाराजगंज में सियासी दबाव रहा है, जहां की नौतनवा सीट से 4 बार विधायक रहे और कल्याण सिंह की सरकार में पहली बार अमर मणि त्रिपाठी मंत्री बने। हालांकि उसी सरकार में एक अपहरण कांड में अमर मणि का नाम सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा होने के बाद सियासत में त्रिपाठी परिवार की चमक को बरकरार रखने के लिए जेल में रहकर अमर मणि ने अपने बेटे अमन मणि को विधायक बनाया। फिलहाल तो 2024 के पहले अमर मणि की रिहाई यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा करने वाला है। अब देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद अमर मणि सियासत के किस बहाव के साथ अपनी राजनीति की नई पारी खेलने वाले हैं।